पेट्रोल डीजल गैस व बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के भारत बंद का बाड़मेर में व्यापक असर। पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस व बढ़ती महंगाई को लेकर आज 10 को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका बाड़मेर में व्यापक असर देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजारों की अधिकांश दुकानें बंद नजर आई। वहीं शहर के आजाद चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान के नेतृत्व में महंगाई को लेकर एक दिवसीय धरना भी दिया गया। धरने के दौरान कांग्रेस से सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित विधायक मेवाराम चैन, नगर परिषद सभापति लूणकरण बोथरा उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने महंगाई को लेकर भाजपा सरकार का घेराव किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बाड़मेर विधायक मेवाराम चैन ने कहा कि पेट्रोल डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जनता के हित में भारत बंद का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि बाड़मेर की जनता व व्यापारियों, मजदूरों, ठेले वाले सभी ने कांग्रेस को बंद को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस के बंद के समर्थन को देखकर सूबे के मुखिया ने पेट्रोल डीजल से 4% वैट कम कर दिया है। ये जनता की जीत है। और उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर से लगाकर बढ़ती महंगाई पर भी भाजपा आमजन को राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्र सिंह चंदन, लोक सभा न्यूज चैनल, बाड़मेर, राजस्थान। भारत बंद में पेट्रोल डीजल और गैस और जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे वजीर की बात करो चाहे अन्य जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर पूरे भारत को बंद किया गया। और उसके तहत बाड़मेर में हमने 3 दिन से तैयारी की और व्यापारियों से, चाहे जितने भी थे छोटे बड़े, सभी से हमने निवेदन किया, बाड़मेर की जनता से निवेदन किया कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने जिस तरह से जनता को लूट रही है, हर वर्ग इसमें प्रभावित हो रहा है। और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि अब वैसे ये मानने वाले नहीं है, इसलिए भारत बंद का आह्वान करते ही आपने रात को देखा होगा कि 4% राजस्थान सरकार ने वेट कम किया और 2.5 रुपये तो एक रात में उसका असर हुआ कि रेटें कम हुई। आज पूरा बाड़मेर के व्यापारियों ने, बाड़मेर के हर वर्ग ने इस बंद को हम सहयोग किया और उसके तहत मैं सभी जिला कांग्रेस कमेटी मेरी तरफ से, सभी की तरफ से बाड़मेर की जनता को, बाड़मेर के व्यापारियों को, मीडिया को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सकारात्मक का सहयोग दिया और जिसकी वजह से पूरा बाड़मेर सफल रहा। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, जो कल रात को वैट घटाए हैं राज्य सरकार ने, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस का दबाव काम आया है जो भारत बंद से बने? अगर कांग्रेस का दबाव नहीं होता तो 4 साल पहले की सरकार तो हुई थी, बंद कर देते। क्रूड का भाव मार्केट में आज तो कोई कम हुआ नहीं। ये सरकार आते ही 40-45-50 रुपये डॉलर था और आज अब कम करने की बात, कम तो अभी भी केंद्र सरकार को मजबूर होकर मोदी जी को या तो रेटें कम करनी पड़ेगी गैस तेल और डीजल पेट्रोल सबकी, और या फिर इनको रवाना ही होना पड़ेगा। ये आप पक्का सोच लेना कि जनता जान चुकी है उनके झूठे वादों में नहीं आएगी। जिस तरह से महंगाई से हर तरह से जनता को मार रही है, झूठे आश्वासन दिए, झूठे वादे किए हैं और ये वादे अब बार बार नहीं चलने हैं। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ राहुल जी के नेतृत्व में ये पूरे भारत के अंदर, आप देख रहे हैं न्यूज भी देखना, पूरा भारत बंद सफल रहेगा और बाड़मेर तो पूरा आपने देखा ही है सफल रहा है। बिहार में एक बंद के दौरान एक एम्बुलेंस को रोका गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, एक बच्ची की मौत हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कोई कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कोई कांग्रेस नहीं, कोई शरारती तत्व हो सकता है और कांग्रेस ऐसा कर ही नहीं सकती। आज आपने यहाँ देखा कहीं अप्रिय घटना कहीं देखी आपने? कोई भी कहीं हुआ तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा कर ही नहीं सकता। ये जॉन बूझकर, ये जो बीजेपी वालों का तो एक काम ही है कि कोई न कोई बहाना लेके किस तरह से पार्टी को बंधन किया जाए, क्योंकि ये श्रेय कांग्रेस ले रही है। चुनावी दौर में आवश्यकता क्यों पड़ी बात बंद करने की? चुनाव में जैसे चुनावी दौर नजदीक आ रहा है तो अभी बात बंद करने की आवश्यकता पड़ी है? नहीं, आवश्यकता चुनावी दौर में नहीं है, इतने दिन
हमने यही इंतजार किया कि ये कम करेंगे, अभी हाउस के अंदर आप देखना विधानसभा में खूब भूखे धरना दिया, प्रदर्शन किया, विधानसभा हमने चलने नहीं दी कि भाई रेटें कम करो। इसके पहले पहले वाली विधानसभा गई साल उसके अंदर भी आप पता कर लो हमने इसके लिए बाड़मेर में जो बंद था किन किन संगठनों का आपको सहयोग मिला? इसमें मैं तो कह रहा हूँ बाड़मेर के सभी संगठन जिनका सहयोग मिला, जिसमें आपके व्यापारी से लगाकर ठेले वाले से लगाकर मजदूर से लगाकर आम आदमी से लगाकर, मैं तो मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी हमें सहयोग किया, हर तरह से सभी ने सहयोग किया और बाड़मेर ऐतिहासिक अपने आप से स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई सिर्फ रिक्वेस्ट और लोगों से निवेदन ही किया हमने और बाड़मेर सफल रहा। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं पार्टी की तरफ से देना चाह रहा हूं। और मेरी अभी कुछ ही दिनों पहले एक आईटीआई सामने आई थी, आईटीआई में ये खुलासा हुआ है कि 20 देशों को भारत पेट्रोल 35 रुपए लीटर से भी कम बेच रहा है और जबकि भारत में ये पेट्रोल 70 रुपए 85 रुपए आज की रेट है। तो क्या आप मानते हैं कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो टैक्सेस हैं वो सरकार को घटा देने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले? ये सबको पता है कि ये जो पड़ोसी देश, आप पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, जो 20 देशों की बात करो, वहाँ वास्तव में भारत से बहुत काफी दर कम है और निर्यात भी कर रही है। तो ये जो जिस तरह से इसमें टैक्सेस एक्साइज और ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं बहुत ज्यादा लगाए हैं और मजबूर होकर इनको जीएसटी के दायरे में लाना पड़ेगा, तब तक कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं क्योंकि जनहित का मुद्दा है, सभी का है इसमें। तो आपका आंदोलन जब तक पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाता है तब तक रहेगा? बिल्कुल, कांग्रेस लड़ती रहेगी और इनको झुकना पड़ेगा और नहीं तो यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर।